बाकरवड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 2 टेबलस्पून बेसन, 1/2 चम्मच अजवाइन हाथ से हल्का क्रश किया हुआ, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब इसे हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक बार में बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेंगे, उसको नीट करेंगे, उसके बाद और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से लेंगे। अब थोड़ा सा और पानी लेंगे और इसे फिर से अच्छे से नीट कर लेंगे। ये स्टिफ डो बनकर तैयार है भाकरवड़ी के लिए। अब इसे ढक के बगल में रख दें और तब तक मसाला रेडी कर लें। थोड़ा सा नारियल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला, हल्दी और जिंजर पाउडर 1/2 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। 2 चम्मच चीनी लेंगे, छोटी चम्मच, 1/1 चम्मच ज़ीरा और सौंफ। इन सबको हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल करके अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल इसका पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर तैयार है। भाकरवड़ी बनाने के लिए हमें इमली की चटनी भी चाहिए होगी। इसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसको आप चेक कर लें। ये आटे को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छे से और नीट कर लेंगे हल्के हाथ से और इसकी लोइयां तैयार कर लेंगे। एक लोई को लेके हम रोटी की तरह बेल लेंगे, थोड़ा चौकोर आकार में। ये देखिए हल्का चौकोर आकार की रोटी तैयार है। अब इसे बीच से कट कर लेंगे। ये कट होके 2 हिस्सों में बट गया है। ये रोटी पतली होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी हमें। इसके ऊपर हम इमली की चटनी को स्प्रेड कर लेंगे इवनली, बहुत हल्की सी। ये इमली का चटनी एक बेस की तरह काम करेगा उस पाउडर को होल्ड करने के लिए। उसी तरीके से दूसरे हाफ में भी उसी तरीके से चटनी को स्प्रेड कर लेंगे और बीच में जहाँ स्लिट हमने किया है नाइफ से उस जगह को छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ हमें पानी लगाना है। यहाँ पे पानी लगा लेंगे ताकि जब हम उसको रोल करें तो वो वहाँ पे स्टिक हो सके आसानी से। अब हम पाउडर को भी अच्छे से चटनी के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे, अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाने के बाद में अब हम इसे रोल करना स्टार्ट करेंगे। साइड से हल्के हाथ से दबाते हुए उसे रोल करना स्टार्ट करें। हर तरफ से धीरे धीरे हाथ से इसको पतला पतला रोल करते जाएं। अभी इसे यहाँ पे हल्के हाथ से प्रेशर देके इसको चिपका दें नीचे वाले डो में। ये दोनों तैयार हो गई हैं रोल्स। अब इसको साइड से हम सील कर देंगे ताकि मसाला बाहर ना निकले। इसे सील करने के बाद एक रोल को लेंगे और उसे अच्छे से और स्प्रेड कर लेंगे और पतला बना लेंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट्स दे करके इसे अलग करते जाएं। ये सब मैंने कट कर दिया है। एक पीस लेके उसे हल्के हाथ से
दबा करके उसके बाद इसे प्लेट में रखते जाएं। इसी तरीके से हल्के हल्के दबा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बहुत हल्के हाथ से दबाना है। सबको मैंने यहाँ पे बनाकर तैयार कर लिया है, अभी इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम तेल को गर्म होने का वेट करें, उसके बाद में फिर भाकरवड़ी डालना स्टार्ट करें। इसे बहुत ही लो फ्लेम पे पकाना है पूरे समय, और इसको पकने में, प्रॉपर होने में 6 से 7 मिनट लग जाते हैं। कुछ कुछ जो मैंने पहले डाले थे वो ऑलरेडी ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, तो उसको मैं उठा लूँगी। ये सारे तैयार हो गए थे एक बैच के, दूसरा भी मैं वापस फिर से डालना स्टार्ट करूँगी, और इसे भी उसी तरीके से हल्के आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक हल्का गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसे उतार लेंगे। ये भाकरवड़ी बनकर तैयार है। आप इसे शाम के नाश्ते में या किसी भी समय एज अ स्नैक खा सकते हैं।